दोस्तों आज हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट कामयाब नहीं हो सके, जिन स्टूडेंट्स को सक्सेस नहीं मिलती, जो स्टूडेंट्स 90 प्लस मार्क्स नहीं ला सकते। क्या उन स्टूडेंट्स को जीने का कोई हक नहीं है? क्या उन स्टूडेंट्स की सोसाइटी में जगह नहीं है? बिल्कुल है। मैं कहता हूँ अगर आप देखेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स को तलाश करेंगे जो 90% मार्क्स कभी अपने किसी एग्ज़ाम में नहीं लाए, जो किसी कंपटीशन में फर्स्ट नहीं आए, जो किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई जिन लोगों को नहीं किया, आप उनको देखेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनी संभाल रहे हैं, जो बड़े लेवल पे पहुंचे हुए हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, और जो लोग IIT में टॉप करके गए या किसी बड़े एग्ज़ाम में क्वालिफाई करके गए, किसी बड़ी जॉब के लिए गए, शायद वो लोग उन लोगों के यहाँ जॉब कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं आता ना, लेकिन ये हम पहले क्यों नहीं सोचते? क्यों पहले ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आती कि कोई और ऑप्शंस भी हैं, या सिर्फ 3 या 4 ऑप्शंस ही हमारे पास हैं कि अगर IIT में इंजीनियर नहीं बना, MBA नहीं बना, डॉक्टर नहीं बना, CA नहीं बना, या कोई बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, तो क्या इनके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, या कोई और आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है? दोस्तों आज मैं उसी रास्ते के बारे में आपसे बात करूंगा, और ये बातें मैं उन स्टूडेंट्स को कहूंगा जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जिनके मार्क्स 90% से अबव नहीं आते, जो एग्ज़ाम में कभी टॉप नहीं करते, लेकिन उनको घबराने की कोई बात नहीं है, उनको निराश होने की कोई बात नहीं है। दोस्तों मैं उन स्टूडेंट से भी कहूंगा जो अपने माँ बाप को, जो अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते, जिनके माँ बाप ये कहते हैं कि बेटा शर्मा जी के बच्चे को देखो 95% स्कोर किया है, गुप्ता जी के बच्चे को देखो 98% स्कोर किया है, और अगर तुमने 99% स्कोर नहीं किए तो इस घर में घुसना नहीं। आप सोचिए उस बच्चे का क्या हाल होता है। इसीलिए आप देखेंगे हर अखबार में जब बोर्ड का रिज़ल्ट आता है, IIT का रिज़ल्ट आता है, कितने बच्चे सुसाइड करते हैं, कितने बच्चे खुदकुशी करते हैं, कितने बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने बच्चे ये सोचते हैं कि शायद अब हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है, हम अपने माँ बाप की उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे, हमारे मामले में माँ बाप को क्या जवाब देंगे, हमारे माँ बाप तो हमें जान से मार देंगे। वो इसी डर में छत से कूद जाते हैं, ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, जहर खा लेते हैं, या पता नहीं क्या क्या किस वजह से खुदकुशी कर बैठते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों मैं आज उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ और उन सबसे अपील करता हूँ कि दोस्तों सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। दोस्तों अभी बहुत आगे आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सिर्फ यही ऑप्शंस नहीं हैं। मैं आपको बताता हूँ कामयाब होने के लिए सिर्फ यही ऑप्शंस नहीं हैं। क्या सिर्फ यही ऑप्शन लेके आप कामयाब कहलाओगे? नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करना। और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अब अगर आप बताओ, अगर आप किसी वजह से खुदकुशी कर लेते हो, क्या इस खुदकुशी की वजह से आपकी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी या प्रॉब्लम्स घटेंगी? दोस्तों मुझे इसका जवाब दीजिए, दो प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएंगी, और आप जैसे सोच रहे हो कि आपके जाने से ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अरे आपके जाने से आप सोचो आपके माँ बाप का क्या हाल होगा, जिन लोगों ने आपको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, 18 साल 20 साल 22 साल किया, आप उन लोगों को रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़ के जाओगे? प्लीज़ ऐसा मत करना यार, ऐसा मत करना। ये माँ बाप की जो फीलिंग है ना, इनको समझो, और जब आप माँ बाप बनोगे तब आप ये सोचोगे ये फीलिंग क्या होती है। और अपने दोस्तों को अपने और रिश्तेदारों को भी समझाइए कि प्लीज़ और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यही रास्तों को मत सोचिए। अगर आप कामयाब नहीं हो सकते, या अगर आप समझते हैं कि यार मैं एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता, तो यार मत बैठो उस एग्ज़ाम में। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई मत कीजिए और दूसरे लोग, अगर आप में हिम्मत है, अगर आपको लगता है कि यार मैं बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो ज़रूर कीजिए। आपको कोई ऐसा लगता है कि यार नहीं, मुझे कुछ कोचिंग की ज़रूरत है, अगर मुझे थोड़ी गाइडेंस मिल जाए तो मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, और मुझे कोई मुश्किल नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है, प्लीज़ अगर आपको मज़ा आ रहा है और आप कर सकते हैं इजीली, तो आप ज़रूर कीजिए। लेकिन
अगर आप ये समझते हैं कि मैं ये एग्ज़ाम नहीं कर सकता या मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, यार ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, तो प्लीज़ मत कीजिएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर साल IITs में मुझे लगता है शायद 12 या 13 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं, और जो क्वालिफाई करते हैं उसमें शायद 10 या 20 हज़ार होते हैं। तो क्या बाकी के स्टूडेंट्स को सबको मर जाना चाहिए? क्या बाकी के सारे स्टूडेंट्स नाकामयाब हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं आपको एक छोटा सा एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप हर साल उन बच्चों को देखिए जो बच्चे क्वालिफाई नहीं करते, और फिर मैं कहता हूँ, और अगर आप 20 या 25 साल बाद उनको देखेंगे, वो कहीं ना कहीं सेट हो चुके होंगे, वो भी अपनी लाइफ में कामयाब हो चुके होंगे, उन्हें भी अलग अलग ऑप्शंस में मौका मिल चुका होगा। सारे IITs इंजीनियर नहीं बनते, सारे डॉक्टर नहीं बनते, सब लोगों ने MBA नहीं बनना, सब लोगों ने CA नहीं बनना, यार और दूसरे काम दुनिया में है वो कौन करेगा, बिजनेस कौन करेगा, अलग अलग अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने इतनी सारी भरी हुई हैं वो कौन अवेल करेगा, आप ही लोग करेंगे। आप ये देखिए, और इस कंपटीशन के दौर में प्लीज़ कंपटीशन करना छोड़ दो यार। ये जब से कंपटीशन शुरू हुए हैं ना, इंसान पागल हो गया है। इन लोगों ने एक आम इंसान को मशीन बना दिया है। ये जितने बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, ये जितने क्वालिफाई एग्ज़ाम हैं कि यार रैंक लेकर आओ, 99% 95% इसमें एग्ज़ाम में आते हो, अब नहीं होता, IIMs में क्लियर करना है, ये करना है, प्लीज़ इस दौड़ से बाहर निकलो। मैं गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस कंपटीशन के अंदर बच्चों को मत घसीटिए, इस रैट रेस से बाहर निकलिए, बच्चों को लर्निंग सिखाइए, बच्चों को सीखना कि सीखें कैसे। हम स्कूल में बच्चों को जैसे पूछते हैं तो यही पूछते हैं कि बेटा कितने नंबर आए, क्या हम ये नहीं पूछ सकते कि बेटा आज तुमने स्कूल में क्या नया सीखा? ये पूछिए बच्चे से कि यार तुमने आज क्या नया सीखा। प्लीज़ इन बच्चों को, हमारे बच्चों को इस टेंशन से, इस एंग्जाइटी से, इस डिप्रेशन से बाहर निकालिए यार, उनको उड़ने दो, उनको खुलने दो, उन्होंने बहुत ज़िंदगी देखनी है, अभी से उनको इस प्रेशर में मत डालिए। ये जितने टीचर्स कॉलेज में स्कूल में ऐसे हैं, मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ बच्चों को इन नंबरों की रेस में मत भगाइए, वो थक जाएंगे और वो थक के गिर जाएंगे। उनको जीना सिखाइए, उनको हंसना सिखाइए, उनको खुश होना सिखाइए, उनको सीखना कैसे सीखते हैं, उनको ज़िंदगी का मतलब सिखाइए, उनको जज्बात से, इमोशन से, इमोशन को मैनेज करना सिखाइए, उनको ये सिखाइए कि जब आप नाकामयाब होंगे तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, उन्हें ये सिखाइए कि बुरे दौर में आपने कैसे अपने आप को संभालना है, उन्हें ये सिखाइए कि अच्छा इंसान कैसे बना जाता है, फिर आप देखिए ये दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। मैं देख रहा हूँ आजकल का जो माहौल है, जैसे हम सुनते हैं यार कोटा राजस्थान में जो जगह है कोटा, वो इंजीनियर्स की गढ़ है, इंजीनियर्स के आपने देखा होगा IITs का, इतनी हज़ारों अकेडमीज़ वहाँ पर है, हर साल हम खबर सुनते हैं कोटा में 10 लोगों ने जान दे दी, कोटा में 20 लोगों ने जान दे दी स्टूडेंट ने, उनके माँ बाप का इतना प्रेशर था। हम आए दिन यहाँ दिल्ली में भी सुनते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में अब बच्चे ने सुसाइड कर ली, क्यों? 94% मार्क्स लाया था, पापा ने कहा था कि 98% आए तो घर में कदम मत रखना। व्हाट इज़ दिस यार, क्या है, क्या डिफरेंस है 94-98% में? क्या बच्चा इतना कम हो गया कि आप अपने बच्चे को इतना प्रेशर दे रहे हैं? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, उस बच्चे को निखरने दीजिए। आपका बच्चा अब बहुत काबिल है, उसकी काबिलियत पहचानिए। उसकी काबिलियत ज़रूरी नहीं है कि वो इंजीनियरिंग में हो, उसकी काबिलियत पेंटिंग में हो सकती है, उसकी काबिलियत म्यूज़िक में हो सकती है, उसकी काबिलियत एक अच्छा ऑथर बनने में हो सकती है, उसकी काबिलियत एक अच्छे स्पीकर में होने से हो सकती है, उसकी काबिलियत शायद वो अच्छा पॉलिटिशियन बन जाए, शायद वो अच्छा एक ऐसा काम का बिजनेसमैन बन जाए, शायद वो अच्छा सेफोलॉजिस्ट बन जाए, शायद वो अच्छा एडिटर बन जाए, यार और दूसरे काम फिर कौन करेगा? तो अगर हम देखें, हम अपने नज़र दौड़ाएं, हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानिए, देखिए आप सोसाइटी में किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कीजिए। दुनिया में एक काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं, अगर आप ढूंढने लगेंगे तो इतने काम आपको मिल जाएंगे। आप बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि वो बाहर के जितने फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए कोई अच्छे डिज़ाइन, कुछ हैंडीक्राफ्ट के डिज़ाइन, कुछ पेंटिंग के डिज़ाइंस, कुछ हाथ से बनी हुई चीज़ें, कुछ ज्वेलरी आइटम्स, कुछ पेपर वर्क, कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स इंटरनेट पर डाल देते हैं।
बाहर से इतने ऑर्डर मिलते हैं, इतना पैसा कमाते हैं कि सोच नहीं सकते हो आप। जो पैसा एक अच्छा नौकरी वाला बड़ी पोस्ट पे नहीं कमा सकता, वो एक एक साल में आराम से कमा लेते इतना पैसा, बड़ा पैसा है उसके अंदर। यार अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढो, आपके आपके सामने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि बेटा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पैसा नहीं चाहिए, एक अच्छा आइडिया चाहिए। एक अच्छा आइडिया अगर आपके पास है, देखो, ढूंढो, देखो सोसाइटी के आसपास कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो। अगर आपका आइडिया सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकता है, तो आपका बिजनेस इतना चलेगा कि पैसा उठा नहीं पाओगे, इतना पैसा कमाओगे, गिन नहीं पाओगे पैसे को। तो दोस्तों प्लीज़ मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उन माँ बाप से, टीचर से, कि हमारे स्टूडेंट्स पे ज़्यादा प्रेशर मत डालिए। उन स्टूडेंट से कहिए कि जो आपकी काबिलियत है, जो आपकी सलाहियत है, आप जितनी ला सकते हो मार्क्स, उतने मार्क्स लेकर आओ, मेहनत करके करो और फिर उसके बाद भूल जाओ। ऐसा नहीं है, उन पर इतना प्रेशर मत डालिए कि नहीं तुम सबने 98% मार्क्स लाना है। यार क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होगा, 40 के 40 98% नहीं ला सकते। उन लोगों के दिमाग अलग भी जाने दो, उनको अलग भी सोचने दो, डिफरेंट सोचने दो। ये सारी चीज़ें उनके सामने रखिए, उनको बताइए कि बेटा तुम और बहुत कुछ कर सकते हो। और ऐसे ऐसे लोग आप देखेंगे, क्या ये बताइए जितने बड़े बड़े लोग कामयाब लोग हैं, क्या सारे टॉपर्स थे, क्या सारे रियली स्कॉलर्स थे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों मेरी बातों को प्लीज़ अगर अच्छी लगें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, बताइए उनको और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे अच्छे अच्छे टॉपिक्स भेजिए और किन टॉपिक्स पे मैं वीडियोस आपके सामने बना के ला सकता हूँ। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर कीजिए, क्या ये जो मैंने बातें कही हैं ये सही हैं या गलत हैं, क्या स्टूडेंट्स पे प्रेशर है या नहीं, और आप पे कितना प्रेशर है मुझे कमेंट कीजिए, और आप किस फील्ड में ज़्यादा अच्छे हैं ये भी कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपके लिए कौन सा करियर अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।